हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीपाली फ्रॉम सकुलेंट गार्डनर मुंबई। आज हम बात करेंगे अर्थ स्टार प्लांट के बारे में, जिसका बोटानिकल नेम है क्रिप्टांथस। सो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि मैंने ये जो अर्थ स्टार प्लांट है, अर्थ स्टार ये इसका लोकल नेम है, क्रिप्टांथस इज अ बोटानिकल नेम। सो ये मैंने इसमें लगाया था लास्ट ईयर, एक साल हो गया, मई में लगाया था। उसका वीडियो जब भी मैंने ये टेरेरियम बनाया था उसका वीडियो भी है यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो एक साल हो गया तो आप इसका ग्रोथ देख सकते हैं, आप वो वीडियो देखना, उसमें आपको दिखेगा कितना छोटा प्लांट था और उसका ग्रोथ कितना अच्छे से हुआ है। और वो जब ही लगाया था इसने, उससे पहले से ही मेरे पास ये प्लांट है। तो इसका जो एज है मेरे पास अभी, ये मोर देन वन ईयर दिस प्लांट इज़ विथ मी। सो आपने देखा प्रीवियस पार्ट में कि मैंने कैसे इसमें से इसे निकाल के इसमें लगाया। सो आज हम बात करेंगे अर्थ स्टार प्लांट के बारे में, उसका ग्रोथ, उसका रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सो फर्स्ट देखेंगे कि इसका यूजेस कैसा है, क्या कहाँ पे हम इसे रख सकते हैं, इंडोर आउटडोर। अभी ये जो मेरा प्लांट है इसका पिंक कलर है बीच में, ये ग्रीनिश ग्रेइश इसका कलर का पैटर्न है इसके ऊपर। और अगर आप इसके पत्ते देखेंगे साइड में जो है एजेस पे ऐसा वेवी उसका स्ट्रक्चर है। सो दिस इज़ अ वे इट लुक्स, ये इसका पैटर्न है, ये इसका स्ट्रक्चर है। सो ये अर्थ स्टार प्लांट है, इसके कलर्स आते हैं ग्रीन से लेके पिंक, पिंक से लेके लाइट पिंक, डार्क पिंक, रेड तक जाता है, ब्राउन कलर में रहते हैं इसके ऊपर बहुत सारे। अभी ये इसके ऊपर जैसे ये ग्रीनिश ग्रेइश पैटर्न्स हैं उसके ऊपर, वैसे और वाइट कलर के पैटर्न्स, बहुत सारे वैरायटीज है ये अर्थ स्टार प्लांट के। दिस इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट, ये फ्लावरिंग करता है अपने पूरे लाइफ टाइम में, ये प्लांट फ्लावरिंग करता है, फ्लावरिंग के बाद उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है। तो फ्लावरिंग के बाद ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। इसका जो मैक्सिमम हाइट है ये 2 फीट का है, ऐसे ग्राउंड लेवल पे ही रहता है, 2 फीट मैक्सिमम वो हाइट उसका होता है इसीलिए। और ऊपर का जो है वो रोजेट टाइप है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ अर्थ स्टार। सो इसे आप इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। इसका हाइट कम होने के कारण से ये टेरेरियम में भी बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। मैंने ये जो अभी था वो टेरेरियम में यूज़ किया था, मेरे पास और भी है टेरेरियम्स, उसमें भी मैंने ये जो है इधर रखा हुआ, मैं दिखाऊंगी आपको बाद में, इसमें भी मैंने अर्थ स्टार लगा के रखा है। अर्थ स्टार इज़ वेरी गुड टू ग्रो इन टेरेरियम्स बिकॉज उसका जो रिक्वायरमेंट्स होता है, ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है और ज़्यादा ग्रो हाइट नहीं होता उसका ग्रो करने के लिए, सो इट्स गुड टू प्लांट इन टेरेरियम ऑल्सो। सो अभी हम उसका रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। ये प्लांट का सनलाइट का रिक्वायरमेंट है, इसे सनलाइट चाहिए। अगर आपको उसका जो कलरेशन मेंटेन करना है, उसका पैटर्न मेंटेन करना है, तो इसे आपको बाहर के साइड में रखना है। मैं ये मेरा जो था मेरे विंडो के बाहर के साइड में था,
अगर अंदर के साइड पे रखेंगे, घर के अंदर रखेंगे, तो इसका जो कलर है वो इट विल स्टार्ट लूजिंग इट्स कलर. ये जो कलर है इसका वो टर्न हो जाएगा ग्रीन में या फिर ब्राउन हो जाएगा. अगर आप अंदर रखेंगे, ऐसा नहीं है कि प्लांट मर जाएगा, उसका पैटर्न जो है वो नहीं मेंटेन करेगा और उसका ग्रोथ भी बहुत कम होगा. ओके, जैसे कि मैंने ये जो मेरा टेरेडियम है इसमें ये ऑस्टार है, ये भी यही पिंक रेडिश पिंक कलर का था. अभी आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां जो है ग्रीन हो गई है, क्योंकि ये घर के अंदर मैंने रखा है, सेम विंडो सील पे लेकिन अंदर के साइड में रखा है, तो इसे लाइट इंटेंसिटी कम मिलती है, तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है. मैंने ये रखा है मेरे वेस्ट फेसिंग विंडो में. इसके लिए आइडल है ईस्ट साउथ ईस्ट जो विंडो रहती है उसमें से हल्की मॉर्निंग लाइट आए. साउथ, एकदम साउथ फेसिंग विंडो के लिए नहीं, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट अगर इसके ऊपर गिरता है तो इसके जो पत्ते हैं वो स्क्रॉच होने लगते हैं, वो बर्न होने लगते हैं, तो डायरेक्ट हिटिंग सनलाइट नहीं चाहिए, इसे थोड़ी माइल्ड सनलाइट चाहिए. सो दिस इज़ अबाउट द सनलाइट, दिस प्लांट नीड्स सनलाइट. अगर आप ये सॉइल के बारे में बात करेंगे, सॉइल के लिए सॉइल जो है वो बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए. ये प्लांट है ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है. ये प्लांट ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करता है, जैसे कि हमारा इंडिया का जो ट्रॉपिकल रीजन है वो स्टाइल में ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है. ये प्लांट ब्रोमिलियाड फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ पे घने पेड़ होते हैं फिर वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो वैसे एरिया में ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है. सो इसे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर चाहिए, लेकिन जो सॉइल है वो इसकी वेल ड्रेन होना ज़रूरी है. लोग हमेशा ह्यूमिडिटी और वाटरिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है. ह्यूमिडिटी इज़ द थिंग, ह्यूमिडिटी इज़ द वाटर इन द एयर. ओके, सो ह्यूमिडिटी अराउंड द प्लांट एंड अराउंड द रूट्स. ओके, सो दिस नीड्स अ ह्यूमिडिटी अराउंड द प्लांट अराउंड द रूट्स. इट डजेंट मीन कि आपको इसे ओवर वाटर करना है. सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि जो वेल ड्रेन हो, पानी निकाल दे और बाद में वो सूखनी चाहिए. बहुत ड्राई नहीं रखनी है, डेली वाटरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, पानी डालना है, सूखने भी नहीं देना है और बहुत ओवर वाटर भी नहीं करना है. सॉइल सॉगी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्लांट के जो रूट्स है वो रॉटिंग स्टार्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली प्लांट जो है इट विल डाई, इट विल नॉट सर्वाइव. सो आपको सॉइल ऐसी रखनी है कि जो वेल ड्रेन हो. तो सॉइल कैसी रखनी है, मैंने जो टेरेरियम में रखी थी वो सॉइल थी टू पार्ट ऑफ अ कोकोपीट, हाफ पार्ट ऑफ वर्मी कंपोस्ट एंड वन पार्ट ऑफ अ परलाइट. सो आप अगर इसको पॉट में लगाते हो, कोई जैसे कि मैंने ये पॉट में लगाया है, तो पॉट में लगाने के लिए आप ले सकते हैं वन पार्ट ऑफ अ कोकोपीट, वन पार्ट ऑफ अ कंपोस्ट एंड वन पार्ट ऑफ अ परलाइट. वेल ड्रेन सॉइल होना इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्लांटर. प्लांटर है, जैसे कि मैंने बोला कि इसका ये इससे रॉटिंग इमीडिएट हो जाता है. मैंने मेरे जो प्लांट मरे हैं, मैंने बहुत सारे ऑल स्टार प्लांट लगाए थे, उसमें से सक्सेसफुली ग्रो भी किए हैं और बहुत सारे प्लांट्स मेरे से मर भी गए हैं. कभी मरता है प्लांट, या अभी जो मानसून चल रहा है, मानसून के एंड में जब भी बहुत बारिश होती है और अगर आपका प्लांट है वो प्लांटर है, आपका जो प्लांटर है इट इज़ नॉट, इफ़ इट इज़ नॉट वेल ड्रेन, मतलब उसके अगर होल भी होने चाहिए, प्लांटर में बहुत सारे छेद होने चाहिए सो पानी जो है वो निकल जाए. बारिश के एंड में मेरे प्लांट जो है मरे हैं, दैट टू बिकॉज ऑफ ओवर वाटरिंग. सो अगर ओवर वाटरिंग होता है तो ये प्लांट मरता है. तो डेफिनेटली आपको ऐसा पॉट लेना है कि जिसमें छेद हो, जिसमें से पानी भी निकल जाए. बहुत सारे अगर छेद है देन इट्स वेरी गुड, और अगर छेद नहीं है, जैसे कि टेरेरियम में लगाते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल वाटरिंग द प्लांट. ओके, ये क्लोज टेरेरियम में भी रहता है, लेकिन क्लोज कुछ दिन रखने के बाद उसे थोड़ा ओपन भी रखना पड़ता है, जस्ट टू अवॉइड द रॉटिंग ऑफ द प्लांट इनसाइड द टेरेरियम. प्लांटर आप, मैं प्रिफर करती हूँ ऑलवेज कोको कॉयर बास्केट.
देन टेराकोटा पॉट, और अभी मेरे पास टेराकोटा पॉट नहीं है, मैंने इस सिरामिक पॉट में लगाया है। सिरामिक मटेरियल भी ऐसा है जो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है फास्ट। प्लास्टिक है तो जो पतला वाला प्लास्टिक होता है नर्सरी वालों लोगों के पास रहता है वैसा आप ले सकते हैं, बट नेचुरल मटेरियल इज ऑलवेज गुड। वेल ड्रेन, उसमें से पानी निकल जाना चाहिए ऐसा आपका प्लांटर या जो पॉट है वो होना चाहिए। वाटरिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओवर वाटरिंग से ये मरता है। डेली वाटरिंग का ज़रूरत नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द एटमोसफेयर, आपका एटमोसफेयर कैसा है आपको वाटरिंग करना है। प्लांट को ड्राई भी नहीं होने देना है। मैं इसे जो मुंबई का क्लाइमेट है अकॉर्डिंगली एवरी ऑल्टरनेट डे मैं इसके जो उसका जो ऊपरी जो ये है ऊपर वाला जो लेयर है उसको मैं वाटरिंग करती हूँ। सो दैट्स इनफ। इसका अगर रूट बॉल आपने देखा रहेगा वो प्लांट रिपॉटिंग का वीडियो में, इस जस्ट 2 to 3 inch उसका जो रूट बॉल होता है उतना ही होता है, बहुत डीप रूट्स जाते नहीं हैं उसके। बहुत ज़्यादा वाटरिंग का ज़रूरत नहीं है, आपको एक फ्रीक्वेंसी वाटरिंग का मेंटेन करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कम्प्लीटली यू आर इग्नोरिंग इट, एंड ऐसा भी नहीं कि बहुत पानी दे रहे हैं, सो दैट यू हैव टू टेक केयर। फर्टिलाइज़र अगर आपको देना है तो मैं मेरे प्लांट्स को आफ्टर 15 days जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होता है वो देती हूँ। सी वीड सोल्यूशन है वो दे सकते हैं, या फिर मैं कंपोस्ट जो रहता ही है, कंपोस्ट जो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी मैं ऐसा 6 महीने के बाद ऐड करती रहती हूँ मेरे सॉइल में। वर्मी कंपोस्ट भी थोड़ा सा एक ऐसे मुट्ठी भर कंपोस्ट में मेरे सभी प्लांट्स को देती हूँ, सो दैट वे यू कैन गिव द फर्टिलाइजर टू दिस प्लांट। अगर आप पेट्स या कोई बग्स के बारे में बात करेंगे तो इसके ऊपर मैंने जो ग्रो किया है कोई भी टाइप के बग्स या मैंने इसमें देखे नहीं है, सो दैट वे बहुत ही हार्डी प्लांट है, इससे पेट्स या बग्स से अफेक्ट नहीं होता है। वेयर एज ये प्लांट जब भी मैंने टेरेरियम में लगाया था उसमें बेबी स्टियर प्लांट लगाया था, और उस वो बेबी स्टियर प्लांट के ऊपर फिर मिली बग आ गया यही उसी में, लेकिन वो मिली बग जो था वो ये प्लांट के ऊपर स्प्रेड नहीं हुआ, इसके लिए इसके वजह से ये प्लांट सर्वाइव किया। ये प्लांट कोई बग से अफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको ये नर्सरी में मिलता है 150 to 300 तक मिलता है, छोटा सा ये प्लांट मिलता है, तो अगर आपको ये दिखे नर्सरी में तो डेफिनेटली गो फॉर इट एंड गेट इट। एंड आपका जो ग्रीन इंडोर गार्डन है उसमें कुछ कलर हिंट अगर आपको देना है तो डेफिनेटली यू कैन प्लांट दिस प्लांट इन योर गार्डन, और एक बहुत ही सुंदर सा एक लुक देगा, बहुत एक कैरेक्टर। जैसे कि ये टेरेरियम में मैंने लगाया है, टेरेरियम में अगर इसको डालते तो एक डिफरेंट कैरेक्टर, उसमें एक डिफरेंट स्टोरी क्रिएट करता है ये प्लांट। उसका लुक ही बहुत अच्छा सुंदर सा होता है। अगर आपको इसका प्रोपगेशन करना है तो प्रोपगेशन के लिए इसके जो नीचे से रूट बॉल से जो छोटे छोटे पप्स निकलते हैं वो एक नोटिसेबल ग्रोथ में हो जाएंगे, तो उनको सेपरेट करके आप उसका दूसरा प्लांट बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे वीडियो जब भी मैंने टेरेरियम बनाया था, एक प्लांट था मदर प्लांट था, उसका दूसरा बेबी पप निकला था, वो बेबी पप ही मैंने इसमें लगाया था वो टेरेरियम में, वही ये है जो अभी बड़ा हो गया है। सो दैट वे यू कैन प्रोपोगेट दिस प्लांट। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस अर्थ स्टार प्लांट और क्रिप्टेंथस प्लांट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हो गए, अगर मेरे से कुछ पॉइंट छूटा है तो प्लीज़ डू कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, मैं आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू मी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।